गाइस सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V40 के गेमिंग फीचर्स के बारे में। तो ये जो फ़ोन है ये न्यू आया है और इसमें न्यू फीचर्स भी आ चुके हैं। तो आप देखो, अल्ट्रा गेम मोड आपको पहले से मिलता था फ़ोन में, लेकिन अभी इसमें कुछ नए नए फीचर्स आए हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो देखो, यहाँ पे पहले तो ये ऑन करना रहेगा आपको, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिक तभी काम करेगा जब आप इन जो गेम्स है इनको प्ले करोगे, अदरवाइज ये आपको शो कहीं पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, जो ई स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है, ई स्पोर्ट मोड में आपको देखिए बहुत सारे इसमें फीचर मिल जाते हैं। कॉल कंट्रोल्स वगैरह, डिस्प्ले ऑप्टिमाइज़ करना है, अडेप्ट फ्रेम रेट को कैसे क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फोकस किया जा रहा है कि आपको पूरा डेडिकेटेड एक गेमिंग सेटअप दे दिया जाए, मतलब पूरा फुल फोकस्ड। उसमें आपको कोई भी फ़ोन का नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, ब्राइटनेस वगैरह ऐसे कुछ चेंजेस नहीं होगा। हालांकि ये फीचर्स बहुत पुराने फ़ोन्स में भी पहले से थे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्हीं फीचर्स में इंप्रूव कर दी गई है। नेक्स्ट, ऑटो ऑफ जो स्क्रीन का है, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, यानी कि ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, आप जैसे प्ले कर रहे हो कुछ भी चीज़ें तो, या फिर कुछ देर के लिए आप पॉज करके छोड़ गए तो वो नहीं होगा उसके लिए, जो कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे व्यू इन्हेंसमेंट का एक फीचर इसमें आया हुआ है। जैसे कि देखो, तो यहाँ पे इन फीचर्स को आप इसे शो कर रहे हैं, बट ये जो है ना ऑन नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, यानी कि जब आप प्ले करोगे तो ये अप्लाई हो जाएंगे। 4D गेमिंग वाइब्रेशन, इसका क्या मीन है गाइस? इसका मतलब देखिए ये है, जब भी आप जैसे कोई कुछ कुछ ऐसे साउंड होते हैं ना, जैसे गन का साउंड होगा, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है गन शॉट का साउंड, जो स्पीकर से आता है वो हल्के एक वाइब्रेशन के साथ में भी आपको इसमें फील होगा। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद गेम साउंड और इसके क्वालिटी के बारे में है। तो यहाँ पे देखो, ईयर कस्टमाइज साउंड, यानी कि आप इसको चेंजेस कर सकते हो, कितनी एज ग्रुप के आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली रेडमी के फ़ोन में भी सेम आपको मिल जाते हैं ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ आपको गेमिंग में ही काम करेगी, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट और क्या है, ब्लॉक नोटिफिकेशन वाला है, म्यूट कॉल्स कर सकते हो, स्क्रीन टच मिट जो है मिस टच हो जाता है प्रिवेंट कर सकते हो उसको, और गेम्स को ऐड करना, तो देखो यहाँ से एक ऑप्शन आता है ऐड गेम करके, वहाँ से आप कर सकते हो। पिक्चर इन पिक्चर मोड गेम, ये मुझे खास ऐसा यूज़ लगा नहीं, वैसे आप मल्टीटास्किंग कम करें तो गेमिंग में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद ना एक और चीज़ है, जैसे कि आप जाएंगे ना सिस्टम सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग में एक ऑप्शन आपको मिलता है मल्टी टर्बो करके। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें देखिए कोई फीचर आपको ऑन नहीं करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में ये ऑटोमेटिकली ही ऑन है, तो ये जो है ये क्लिक नहीं होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके फ़ोन में पहले से ही अप्लाई है। जैसे कि सेंट्रल कोर एक्सेलरेशन इंजन है, तो ये आपके जो CPU, GPU और RAM है इसमें दिया हुआ है पहले से ही, जो है इम्प्रूव कर देगा स्पीड को जो भी आप गेम प्ले कर रहे होगे फॉरवर्ड में, और जो रनिंग एप्स हैं उनको थोड़ा बैलेंस्ड ऑप्टिमाइज रखेगा। और नेक्स्ट में क्या है, AI एक्सेलरेशन गेमिंग इंजन। अब ये तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ोन में शायद इतना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फ़ोन कंपनीज कोशिश करती है कि यहाँ पे आपको दे दे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द AI प्रेडिक्स इंटेलिजेंस रिसोर्स स्केड्यूलिंग स्ट्रेटजी इंप्रूव्स स्टार्टअप स्पीड ऐप्स। तो यहाँ पे जो भी ऐप्स है गेम के टाइम पे या फिर कैसे, वो आपके जो इंटेलिजेंट ऑटोमेटिकली मतलब AI प्रेडिक्ट कर लेगा कि कौन सी ऐप्स कब कितने टाइम पे आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस स्पीड है वो चेंजेस करता रहेगा। तो ये मल्टी टर्बो के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके बाद नेटवर्क के लिए है, गेमिंग एक्सेलरेशन इंजन है। तो ये सारे जो कुछ फीचर्स हैं इसमें दिए गए हैं न्यू, इनको ऑन करने के बाद ये अप्लाई तभी होंगे जब आपके फ़ोन में ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहेगा। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया गया तो आप इसको ऑन करिए, ठीक। तो इससे जो सारे जो फीचर्स हैं ये आपके अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे और भी मुझे कुछ गेमिंग वाले अभी तो कुछ खास फीचर नहीं मिले हैं, बस ये कुछ फीचर्स थे जो कि आपको एक सिस्टम सेटिंग्स में मिल जाएगा, और एक आपको जो अल्ट्रा गेम मोड है ये बाहर की साइड में ही आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जस्ट ऑन करिए, कुछ फीचर जो कि यूज़ पे लगे उनको ऑन करिए, गेम साइड बार को ऑन करेंगे तो ये सारे फीचर जो है अप्लाई होने पाएंगे, और ये जब कोई भी गेम आप प्ले करोगे तो उसमें ये शो होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये था वीवो V40 का गेमिंग मोड, कौन कौन से नए गेमिंग फीचर्स हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करिए, और भी वीवो V40 के वीडियोज़ आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।